नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा के छठा पाठ पाप के चार हथियार बताने जा रही हूँ पूरा विस्तार पूर्वक। इससे पहले लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय मैंने बता दिया है। इससे पहले आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में विभाजित है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कूड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, यानी मजाक बनाकर। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा टगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती है, बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके पर वह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिसे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है कि पाप के पास चार शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये चार शस्त्र है इस प्रकार: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी अपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा के इस रगड़ में कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने होते जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच या गालियाँ की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो कि जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होगा या होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा के रगड़ से है और भी प्रखर हो जाता है।
अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और यह बौखला उठता है। अब वह अपने तप्त तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूसी, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पिस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण के प्रचंड को उठाता है। शहादत ऐसे उसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त ना थी अब वह हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश इसमें समा जाता है, बिजलियाँ की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका कारण यह है कि उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकतर मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकतर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर वह अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं है, उसकी लोकतरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। बाजे पायलिया के कुंगुरु निबंध संग्रह। अतः इसमें खूबियों का पुंज, विशेषताओं का गुच्छा को बोला गया है। पीड़ा पहुंचाने वाला, एकांगी, एक पक्षीय, पैने, तीखे, धारदार और बखान वर्णन को, लोकतर सामान्य लोगों से ऊपर विशिष्ट को, अजय जिसे जीता ना जा सके, अंबार ढेर को कहा गया है और विडम्बना उपहास को, प्रलाप निरर्थक बात और बकवास को, शहादत बलिदान को, उपसंहार सार निष्कर्ष को और फलितार्थ सारांश निचोड़ तात्पर्य को, खंडित करना मग्न और टूटा हुआ कहा गया है। इसमें कुछ मुहावरों के अर्थ भी है। ढांचा डगमगा उठना, आधार ही लूटना, लहर को ऊपर से उतार देना, सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना, गले के नीचे उतरना, स्वीकार होना, विवश होना, लाचार होना। जो अतः इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।